प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल घोषणा की थी कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसी पर अमल करते हुए अब तक 6 राष्ट्रीय रोजगार मेलों में करीब 4,29,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और इसी क्रम में 6ठे रोजगार मेले में पीएम ने लगभग 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहां पर उन्होंने पीएम ने कहा वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कि युवाओं को नौकरी देने के लिए रेट कार्ड नहीं बल्कि सेफ गार्ड दिया जा रहा है। रेट कार्ड के लिए पीएम ने पहले की सरकारों और विपक्ष पर हमले किए। आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के माध्यम से विशेष अभियान चला रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त सदस्यों को करीब 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया गया। देश भर में चुनी गई नई भर्तियां वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग तथा गृह मंत्रालय आदि सहित विभिन्न विभागों में दी गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार मेला वर्तमान सरकार की नई पहचान बन गया है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। पीएम मोदी ने भर्ती प्रक्रिया में परिवारवाद की राजनीति और भाई भतीजावाद की बुराइयों पर बात की और कहा कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर रेट कार्ड से युवाओं को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरियों के लिए रेट कार्ड के दिन गए। उन्होंने बिना नाम लिए नौकरियों के बदले गरीबों की जमीन लेने के घोटाले का भी जिक्र किया। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कट मनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी, जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस CBI में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी,
उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में रोजगार और स्वरोजगार के उभरते अवसरों के बारे में बात की। उन्होंने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे उपायों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब ये युवा जॉब क्रिएटर बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक दशक पहले की तुलना में भारत अधिक स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। पीएम ने कहा कि भाषा को रोजगार के लिए दीवार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया, लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।